आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 31 जनवरी की शुरुआत की। महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और आज हम समझेंगे कि इस पूरे महीने में क्या हमने अपना समय, अपने शब्द और अपने एक्शंस, हमारे कर्म थे, उसमें हमने कुछ वेस्ट तो नहीं लेके आए। और अगर ये महीना खत्म हो चुका है तो अगला महीना, दैट मीन्स फरवरी का मास, हम ध्यान दें इस चीज पर, अटेंशन दें हर दिन की कोई वेस्ट संकल्प तो नहीं चल रहा है, फुल स्टॉप लगाए, बिकॉज मेरी एनर्जी, मेरी प्योरिटी, मेरी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कोई भी वेस्टेज, कोई भी लीकेज, कोई भी ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। और हम ड्रेन आउट फील क्यों करते हैं? बिकॉज हम कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्पों में, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसके जीवन में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों सोचता है, ऐसे क्यों सोचती है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करती है, इन चीजों में हम फंसते जाते हैं और हम नेगेटिविटी देखते जाते हैं और हम नेगेटिव देखते हैं, इम्प्योर चीजें देखते हैं, इम्प्योर एक्शन देखते हैं, इम्प्योर वर्ड्स देखते हैं और लोगों के, और हम क्यों क्या कैसे में फंसते हैं और ऑटोमेटिकली हम ड्रेन आउट फील करते हैं पूरे दिन में। तो इसलिए इसके ऊपर हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा, अटेंशन दो, क्या चल रहा है मन में, मन के पर्दे पर क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या सीन चल रहा है हमारे मन के पर्दे पर, बिकॉज मन का पर्दा ही तीसरा नेत्र या बुद्धि का पर्दा ही तीसरा नेत्र है। तो अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, आप मास्टर सर्वशक्तिवान, आप सर्वशक्तिवान कब कहे जाओगे, जब आपने परमात्मा के जैसे आपके अंदर ताकत ली आई आपने कि आप व्यर्थ संकल्पों को आप फुल स्टॉप लगा पाओ। परमात्मा के मन में तो आते ही नहीं, बिल्कुल जीरो होते हैं उनके, बिल्कुल संपूर्ण पवित्रता है क्योंकि पवित्रता के सागर है, लेकिन हमारे अंदर कभी कभी वेस्ट थॉट्स आते हैं, क्या क्यों कैसे आता है, और जिस चीज को हमें फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है तभी हम कहलाए जाएंगे कि हमारे अंदर शक्ति है फुल स्टॉप लगाने की। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। कमाई क्या करनी है? परमात्मा को याद करना और शुभ संकल्प और शक्तिशाली संकल्प करना। उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं। तो हमें समर्थ संकल्प करने की जरूरत है, नेगेटिव संकल्पों को हमें खत्म करना है। तो परमात्मा कहते हैं व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। समर्थ मतलब कि आपके अंदर वो कैपेसिटी, एनर्जी खत्म हो जाती है कि वो आप कार्य को आप पूरा कर पाओ या अपने पूरे दिन में आप अटेंशन दे पाओ, जो चीज प्रायोरिटी उसके ऊपर आप फोकस कर पाओ। एंड बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है और फिर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बढ़ता है और फिर वो निकलता किस पे? फैमिली मेंबर्स, एज अ बॉस, सबॉर्डिनेट्स, एज अ लीडर, टीम मेंबर्स पर। तो क्यों ना हम वेस्ट को खत्म करें ताकि ये सारी चीजें हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ना आए और हमारा टाइम सेव हो, एनर्जी सेव हो। सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर हमने लीकेज नहीं किया, एनर्जी ड्रेन नहीं करी, हमने व्यर्थ थॉट्स में या टाइम नहीं वेस्ट किया, तो हमारे अंदर शक्ति है, दैट मींस एक्युमुलेटेड पावर, स्पिरिचुअल पावर, जिसको हम यूज कर सकते हैं कोई भी अच्छे कार्य में। सिर्फ बार बार अटेंशन दो, क्या चल रहा है मन में, क्या बोला मैंने, क्या एक्शन करे मैंने पूरे दिन, इसको चेंज करना है मुझे। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय, जैसे क्लास होती है हमारी मॉर्निंग में स्पिरिचुअल क्लासेस और अमृत वेला सुबह 4 बजे उठ करके जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कि याद के समय अटेंशन देते हो कि इस समय बिल्कुल कुछ गलत नहीं चलना चाहिए। ऐसे बीच बीच में, अभी जैसे अभी बीच का टाइम चल रहा है, ऐसे बीच बीच में दिन भर, दोपहर, शाम, रात में अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। बार बार चेक करना है ये मैं इतनी देर से क्या व्यर्थ बातें कर रहा हूँ, किसी से गॉसिप स्टार्ट हो गई, किसने कुछ आके कथा सुना दी, किसने कुछ व्यर्थ सुना दी, कुछ नेगेटिव सुना दिया और हम उसमें लीन हो चुके हैं। इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअल थॉट्स सोचने की जगह, स्पिरिचुअल सजेशंस देने की जगह हम उसको बोल, हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए था, फैमिली को क्या किया, बहुत बुरा किया, ऐसे तो नहीं होने चाहिए, लोग आज के लोग बड़े गंदे हैं, और ये सारी चीजें हमने व्यर्थ बातों में, व्यर्थ एनर्जी में, व्यर्थ एक्शंस में हमने डाल दी। और हमारे जो कमाई होनी थी परमात्मा को याद करके, और उनको भी हमें गाइड करना चाहिए था कि नहीं आप ऐसे मत सोचिए, परमात्मा ने तो आपको समझाया हुआ है इस सारी चीज के बारे में, तो आप ऐसे सोचिए, प्योर सोचिए इंस्टेड ऑफ इम्प्योर, वो हमने नहीं किया जिस कारण से व्यर्थ में चला गया। तो परमात्मा हमें ये चीज सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी, इसमें आप भी आकर के सीख सकते हैं, ये बहुत ही स्वीट और बहुत शक्तिशाली विद्या है। इसके साथ ओम शांति।